हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? क्या टॉपिक है? प्रोडक्ट डिसीशन एरियाज। तो ये टॉपिक एकदम सिंपल तरीके से समझाता हूँ। देखो, एक ये प्रोडक्ट है, एक ये भी प्रोडक्ट है। ये सिर्फ ब्लैक पेन है, इसमें चार पेन है। तो ये प्रोडक्ट होता है, तो इस पर क्या क्या आप डिसीशन ले सकते हैं, मतलब इस पर क्या क्या कंपनी सोचती है। अगर आपकी कंपनी पेन बनाती है तो आपका इस पर क्या क्या डिसीशन देगा, तो आ जाओ समझाता हूँ। तो कंपनी पहले इसका डिज़ाइन सोचेगी, कैसा बनाओ, अट्रैक्टिव बनाओ, है ना? तो डिज़ाइन ऐसा बनाना चाहिए ताकि लोग कस्टमर देखे, पसंद आए, इनोवेटिव रहे, इम्प्रूव ले, अच्छा टेक्नोलॉजी लेगा, महसूस होए, खुश होए, अट्रैक्टिव दिखे, ब्यूटी दिखे। तो मेन होता है प्रोडक्ट का डिज़ाइन कैसे रहेगा। फिर प्रोडक्ट लाइन, मतलब मैं पेन के साथ और क्या चीज़ बेच सकता हूँ, पेंसिल, रबड़, स्केल, ये इसके लाइन है ना। अब तुम पेन के साथ वड़ा पाव बेचेंगे तो कुछ रिलेशन है क्या इसका? नहीं ना यार। तो जैसे साबुन होता है, कोलगेट होता है, टूथपेस्ट होता है, तो होता है प्रोडक्ट लाइन। तो कंपनी सोचेगी कि इसके साथ मैं क्या चीज़ और अटैच करके बेचूँ। तो मार्केटर शुड डिसाइड वेदर टू कॉन्सेंट्रेट वन प्रोडक्ट और डील विथ प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स इन्वॉल्व सेट ऑफ प्रोडक्ट विच मार्केट कैन अफोर्ड टू दी मार्केट। मैं इसके साथ क्या क्या प्रोडक्ट बेच सकूँ, ये एग्जाम्पल डाल देंगे तुम लोग। फिर नेक्स्ट होगा प्रोडक्ट पैकेजिंग। पैकेजिंग नहीं रहेगा तो फिर प्रोडक्ट कैसे जाएगा? अभी आप लोग दुकान से मोबाइल लेते हैं, एक डब्बा आता है ना बॉक्स, अगर हाथ में डायरेक्ट आपको मोबाइल देगा तो आप ले गए क्या? आपको लेके क्या सेकंड हैंड किया। तो प्रोडक्ट का पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पैकेजिंग जितना अच्छा रहेगा ना कि कस्टमर उस पैकेजिंग को देख के चीज़ खरीदते, अंदर कैसे भी रहें दो, पैकेजिंग अच्छा होना चाहिए। और पैकेजिंग से क्या होता है, गुड्स प्रोटेक्ट रहता है, प्रिजर्व रहता है, अंदर की क्वालिटी डिस्टर्ब नहीं होती है। एंड पैकेजिंग इसे प्रमोशन टूल जिससे कस्टमर अट्रैक्ट होता है। फिर पैकेजिंग होने के बाद क्या, सफ़ेद थैली में थोड़ी देंगे यार, लेबल रहेगा ना उसमें, नाम पता, कब बनाया, मैन्युफैक्चर, प्राइस। तो लेबलिंग होता है, एक लेबल देना पड़ता है, लेबलिंग में पूरा इंफॉर्मेशन होता है, ब्रांड का नाम रहता है, राइट? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर प्रोडक्ट के ऊपर फिर अपन प्राइसिंग रखेंगे ना, फ्री में थोड़ी बेचेंगे, उसका दाम रखेंगे ना। ये पेन है जैसे 30 रुपये का पेन है, 10 रुपये का पेन है, मोबाइल है, 20 हज़ार का गाड़ी है, तो हर प्रोडक्ट का प्राइस होता है। तो प्राइस भी कैसे रखने का, सस्ता रखने का, महंगा रखने का? तो कंपनी प्राइस इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर देख के रखती है। तो और भी डिटेल में आंसर पढ़ेंगे, उठा के डाल सकते हैं आप लोग। तो प्राइसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो कंपनी प्रोडक्ट डिसीजन से पहले प्रोडक्ट का डिज़ाइन बनाएगी, उसके साथ क्या बेचेगी वो सोचेगी, लाइन, प्रोडक्ट लाइन, फिर उसका पैकेजिंग कैसे होएगा, लेबलिंग कैसे होएगा, प्राइसिंग कैसे होएगा। फिर सबसे मेन होता है पोजीशनिंग। पोजीशनिंग का मतलब होता है इस प्रोडक्ट, जो भी कंपनी प्रोडक्ट बेच रही है वो लोगों के दिमाग में डालना, दिमाग में कैसे जाएंगे, कैसे ऐड प्रमोशन के थ्रू लोगों के जहन में जाना चाहिए। तो पोजीशनिंग रेफर्स टू दी मार्केटिंग एफर्ट्स। कंपनी मार्केटिंग मेहनत करती है डायरेक्ट एट क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग, क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग डिस्टिंग इमेज, एक इमेज पैदा करेगी लोगों के जहन में, माइंड में, ताकि कस्टमर को वो प्रोडक्ट मेरा हमेशा याद रहे। ओके, तो कैसे, आजकल क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, तो आजकल क्या चल रहा है, तो लोगों के जहन में सीधा फॉग आता है ना, उसको बोलते हैं पोजीशनिंग करना, लोगों के माइंड में डालना। तो कंपनी प्रोडक्ट के इस पीछे मेहनत करेगी, फिर प्रमोशन करेगी ना यार, रातों रात थोड़ी सबके सपने में आएगा चीज़ भेजाएगा। तो कंपनी को प्रमोशन करना पड़ेगा ऐड के थ्रू, सेल्स प्रमोशन के थ्रू, पब्लिसिटी के थ्रू। तो कंपनी अलग अलग तरीके से प्रमोशन करेगी गुड्स का, पब्लिसिटी, पर्सनल सेलिंग, फिर गारंटी वारंटी, ड्यूरेबल गुड्स है, मशीन है, इक्विपमेंट है, जेटलाल वाला प्रोडक्ट है तो उसका गारंटी वारंटी देना पड़ेगा ना, कुछ भी खराब होएगा, आयर बार बार आता है ना, तो बना के देना पड़ेगा। ब्रांडिंग डिसीजन, कंपनी प्रोडक्ट का ब्रांड को कैसे फेमस करेगी, कैसे ब्रांड पर्सनलिटी लाएगी, ताकि अच्छा एडवर्टाइजमेंट करके जो ट्रेंड में चल रहा है वो हीरो को लेके आएगी, एक्टर्स को, सेलिब्रिटी को, और ब्रांड का इमेज बढ़ाने की कोशिश करेगी। जितना ब्रांड बढ़ेगा उतना कस्टमर का बेस बढ़ेगा। फिर आफ्टर सेल सर्विस देना। और डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, तो ये जो चैनल्स है, तो कंपनी चैनल का कैसे मेंटेन करे, ये इनडायरेक्ट चैनल है, डायरेक्ट बेचेगी कंपनी, तो कंपनी को ये सब भी प्लान करना है। तो ये सब किसका हमने टॉपिक पढ़ा है, प्रोडक्ट डिसीजन एरिया, कंपनी एक प्रोडक्ट पे क्या क्या विचार करती है। तो मस्त में 4 मिनट में तुम्हारा आंसर होगा, राइट? तो दिस इज़ आवर चैनल माय डियर स्टूडेंट, आपको अच्छा लगता गुरु दक्षिणा भी देख सकते हैं, ठीक है? थैंक यू।